इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति के बीच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। वहीं इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि वो दिल्ली में ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए क्या कर रही है। कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में कुल 113 एंट्री पॉइंट हैं, जिसमें से 13 ट्रकों के लिए भी शामिल हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मदद करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रकों के प्रवेश की जांच के लिए 113 एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस कर्मियों को तैनात करने का निर्देश देना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति के बीच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। वहीं इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि वो दिल्ली में ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए क्या कर रही है। कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में कुल 113 एंट्री पॉइंट हैं, जिसमें से 13 ट्रकों के लिए भी शामिल हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मदद करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रकों के प्रवेश की जांच के लिए 113 एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस कर्मियों को तैनात करने का निर्देश देना चाहिए।